हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जनता शो। तो इस वक्त हमारे साथ है रोहतक के फेमस फूडीज मिस्टर मनु बत्रा, और इनका पेज है फेसबुक पे फूड अटैकर के नाम से। और भाई के साथ एक और भाई भी है, तो हमारे साथ एक भाई का नाम है जय श्री। ओके मनु जी, सबसे पहले तो बताओ कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्या खिलाने वाले हैं आप हमको? फूड एक्सप्लोर करने वाले हैं जो हम पहले देख चुके हैं, हमने अपने शो में दिखा चुके हैं, वो हमने टेस्टेड है वो खाना। तो यहाँ पे डीप पार्क पे जो अच्छा मिलता है वो है एक्जोटिक डोसा साउथ वाइट का। तो कहाँ मिलेगा? वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पीछे ही है, तो चलो फिर चलते हैं। तो जैसा कि भाई ने बताया कि हम खाने वाले हैं एक्जोटिक डोसा, तो देखते हैं एक्जोटिक डोसा में क्या खास है और क्या उसके अंदर अलग फ्लेवर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मिलता है एक्जोटिक डोसा साउथ बाइट पे डी पार्क पे। तो इसमें खासियत ये है कि ये डोसा नॉर्मल डोसे जैसा नहीं है, सिर्फ इसमें आलू नहीं होते। आलू के अलावा इसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स, मेयोनीज और चीज़ डाली जाती है। वेजिटेबल्स में अगर मैं आपको बताऊं तो कैप्सिकम होता है, ओनियन होता है, और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं। तो खाने में जो टेस्ट है इसका ज़बरदस्त लगता है मुझे। तो फ्रेंड्स, हम आए हैं पंडित जी चाट भंडार के साथ में एक मैगी पॉइंट पे, और यहाँ टेस्ट करेंगे। यहाँ 70 तरह की मैगी मिलती है, देखते हैं उसमें क्या क्या अलग अलग फ्लेवर हैं और कैसे कैसे इन्होंने वेरिएशन लेके आए हैं। सर आपका नाम? विश्वग्रानी। सर कितने टाइम से अपना ये चल रहा है? सर 6 मंथ्स हो गए। 6 मंथ्स हो गए हैं सर जी। तो 70 वैरायटी में आपने कैसे कैसे वेरिएशन लेके आए हैं सर? सर वैरायटीज ऐसे हैं, अलग अलग फ्लेवर हैं। किसका सबसे मेन तरीका क्या होता है? एक तो वेजिटेबल्स का हो गया, दूसरा हो गया हमारा सॉसेस का कमाल होता है। ठीक है, उसमें अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, अलग अलग तरीके की सॉसेज आते हैं। अच्छा, इस तरीके से कितने कितने स्टार्ट होता है रेट? यहाँ पे 40 से स्टार्ट होता है और 200 तक की मिलेगी। तो गाइज़, हमारी मैगी बन के रेडी हो चुकी है। इसका प्राइस कितना है भैया? कितने की है ये? 80 की है, जस्ट 80 रुपीज़। चीज़ वेजिटेबल मैगी, वेजिटेबल्स कूट के डाली गई है इसमें। कैप्सिकम है, कैरेट है, कैप्सिकम है, कैरेट है, ओनियन भी है, और मैगी तो ओबियसली होगी। ओवरऑल अच्छी है। अच्छा, 10 में से कितने पॉइंट? 10 में से 8। 10 में से 8। तो भाई, अब भाई से बोलते, भाई ट्राई करेगा, इसके बाद बताएगा भाई को टेस्ट कैसा लगा और वो कितने पॉइंट देगा। जय श्री, ट्राई करो और उसके बाद बताना कितने पॉइंट। नाइन आउट ऑफ 10। टेस्ट अच्छा है, गर्मा गर्म है। तो अब टेस्ट करके बता दो मैगी कैसी है। थोड़ा सा क्रीमी फ्लेवर आ रहा है मैगी के अंदर क्योंकि उसमें चीज़ डाला हुआ है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं भैया को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए। हमने मीडियम बनवाया तो वो बना देंगे। और सबसे बढ़िया फैसिलिटी मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो ये शॉप है, जो इनकी शॉप है, रात को 1:30 बजे तक ओपन रहती है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? रात को 1:30 बजे तक चालू रहती है? हाँ जी बिल्कुल सर। और उसके बाद 1:30 बजे तक तो सर फिक्स है। उसके बाद हमारा कस्टमर के डिपेंड है, अगर कंटिन्यूटी में रहा तो 3 भी बजाते हैं हमें, सुबह 4 भी बजाते हैं। अच्छा, और सुबह ओपन कितने बजे करते हो? हम ये इवनिंग में होती है 4, 4:30 ओपन, 4 बजे ओपन कर देते हैं। हाँ जी। तो अभी हम जाने वाले हैं कोई नेक्स्ट फूड एक्सप्लोर करने रोहतक में, जो चीपेस्ट रेट में आपको मिल जाएगा, भाई बताएंगे। तो इनका हाँ बोल रहे थे जोमेटो भी टाइप है, और स्विगी नहीं है, जोमेटो। और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, लाइक पेटीएम, फोन पे, गूगल पे सब है, आप कर सकते हो। तो इनका एड्रेस है यहाँ पर जो पंडित चाट भंडार है, इसके बिल्कुल बाहर। ये लगाते हैं मैगी। भाई को ये खाते रहने दो, मतलब भाई को ये बातें करते रहने दो, मैं तो खा रहा हूँ। हम आए हैं ओल्ड आइडिया ग्राउंड, यहाँ है द सीरियल ग्रिलर्स। तो ये बनाते हैं कुरकुरे मोमोस और KFC चाप। हमने मंगवाए हैं कुरकुरे मोमोस, आइए दोस्तों टेस्ट करते हैं। मगर आपको थोड़ी सी पहले बता दूं, दिखने में आपको ये नॉन वेज लग रहा होगा मगर है एक्चुअली में वेज। इसका क्रिस्पीपन आप देख सकते हैं, आहा क्रंची है। और इसके ऊपर जो है आई थिंक इन्होंने वो यूज सोया ग्रैनुअल्स हैं। तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। अंदर एज यूजुअल बंद गोभी है, साथ में 2 चटनी है, एक लाल एक हरी, थोड़े से प्याज, बढ़िया सा माहौल। और एक और ख़ास बात, नॉर्मली आपको मोमोज के साथ मिलती है मेयोनीज और रेड सॉस, चिली सॉस, लेकिन इसके साथ है पुदीने की चटनी है और साथ में प्याज है। और इस कुरकुरे मोमोज का जो प्राइस है सिर्फ मात्र 70 रुपये में फुल प्लेट है। तो आप ITI ग्राउंड आ सकते हैं, यहाँ पर भी ओल्ड ITI ग्राउंड। तो अभी हमने यहाँ पर ट्राई किए हैं कुरकुरे मोमोज, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, थोड़े से क्रिस्पी थे और टेस्ट में अच्छा था। तो बात करते हैं भैया से। तो क्या नाम है? निखिल। तो कितने बजे से शुरू होता है आपका ये? हम शाम को 5 बजे शुरू करते हैं यहाँ पे, शाम को 5 बजे शुरू करते हैं हम यहाँ पे, और रात को 11 बजे तक हम यहाँ रहते हैं। 11 बजे तक? हाँ जी। तो क्या क्या वैरायटी मिलती है आपके पास? हमारे पास मेन 2 चीज़ें हैं, एक रोस्टेड में चीज़ें रहती हैं, रोस्टेड में चाप्स हैं, पनीर टिक्का है, मशरूम टिक्का है, और सेकंड है हमारी स्पेशल क्रिस्पी आइटम, उसमें पनीर कुरकुरे मोमोज, वेज कुरकुरे मोमोज, और स्पेशल है क्रिस्पी पनीर, सबसे स्पेशल क्रिस्पी, हाँ क्रिस्पी पनीर, उसमें प्योर पनीर रहता है, अनंदा पनीर यूज़ करते हैं, हमारा आइटम अनंदा पनीर यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक हमने नई आइटम स्पेशल लॉन्च किया है, उसका नाम है दही कबाब, वो भी बहुत फेमस आइटम है, आप कभी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी लगेगी। अभी ख़त्म हो चुके थे? हाँ अभी ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, रेंज कितने से कितने तक रहती है आपके पास? हमारे पास 40 रुपीज़ से आइटम शुरू होती हैं, और हाँ 40 में वेज कुरकुरे मोमोज हाफ, जो भी आइटम है 40 में हाफ रहती है, और अपर रेंज 220 है। 220 में क्या रेंज? पनीर कढ़ाई पनीर रहता है, उसमें भी हम आनंदा पनीर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा इनके पास ये सभी आइटम अवेलेबल है। अगर आप इनकी आइटम खाना चाहते हैं तो कहाँ आ सकते हैं, एड्रेस बताएंगे? ओल्ड आइडिया ग्राउंड में आ सकते हैं, द सीरियल ग्रिलर्स के नाम से है ये फूड स्टॉल हैं, दो ट्रक हैं, आप आएँ और टेस्ट करें, एंजॉय करें। तो सबसे पहले भाई का शुक्रिया, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी फूड एक्सप्लोर करवाने में, क्योंकि ये ऑलरेडी फूड की वीडियोस बनाते रहते हैं। इनका फेसबुक पे ऑलवेज फॉर यू इनका फेसबुक पेज है फूड अटैकर के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अलग अलग फूड का मज़ा आप इनके चैनल पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।